तो वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने आज तो शाम अनाज मंडी का दौरा कर अधिकारियों और कर्मचारियों को फसल खरीद प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की कोताही ना बरतने के आदेश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को स्पष्ट तरीके से कहा है कि मंडी में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, बारदाना और उठान के संबंध में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने देनी चाहिए। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो अधिकारी तुरंत उनसे संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने ये बात भी कही कि खरीद प्रक्रिया तो सरकार ने शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक फसल मंडियों में कम पहुंची है। यहाँ पर ये देखना है कि एक तारीख से परचेज होगी, हालांकि भी अनाज आना शुरू नहीं हुआ क्योंकि फसल पकी नहीं है, लेकिन हमारा बारदाने की, पीने के पानी की, मंडी की साफ़ सफाई की व्यवस्था देख के अधिकारी को बोल दिया है। किसी भी किसान को, किसी भी आड़ती को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सबको बता दिया कि कोई दिक्कत आएगी तो मैं समझ आता हूँ, महकमे की मीटिंग में लाऊँगा सोमवार को चंडीगढ़, और सरसों की जो है मंडी बढ़ाने की घोषणा करवाऊँगा जो मिल के अंदर ही हो जाए।